मेरी बाइक ड्रैग करने की कोशिश की थी पर उनसे नहीं हुई, बिकॉज भाई यामा कभी चूतियों से ड्रैग थोड़ी होती है। अब भाई लॉग देख कर रहे हैं पूरा पूरा ना, यहाँ से लॉग तोड़ दिया मैंने, इसी लॉग का सीन है। तुम देख रहे हो लॉग क्या कंडीशन, नीचे चाबी करके फिर ऑन करना पड़ा लॉग मेरा। कल जब कल तो हाँ से निकल के गुड इवनिंग, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो भाई जैसे तुम बाइक देख पा रहे हो तो बाइक रिलीज हमारी फाइनल हो चुकी है एंड वेब चलते हैं भाई, बाइक ना कुछ काम था एंड तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। ये तुम मिल रहे हो यहाँ पे, ये मिल रहा यूट्यूब स्टिकर ना, उखाड़ने की कोशिश की गई है भाई, मतलब हेटर्स इतने बढ़ चुके हैं ना अपने, अभी तो हमने शुरुआत किया बट हमारे हेटर्स तुम देख सकते हो ये चीज़। एंड भाई तुम लॉक की कंडीशन देख सकते हो, देखो लॉक दिख रहा है, लॉक पूरा टूट चुका है तुम देख रहे हो, ये भी लॉक नहीं डलवाना पड़ेगा एंड बाइक का बड़ा ढेर सारा काम है वो भी करवाना है। अब चलते हैं भाई, चलो ये भाई का भाई जिसकी मैं बात ही कर रहा हूँ वो देख भाई। तो भाई मैं एक चीज़ आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि मुझे ना किसी से भी हेट नहीं है, तुम बोलते हो कि तुम हेट करते हो ये करते हो, भाई मुझे किसी से हेट नहीं है, तुमने बाइक अंदर कराई मेरी कोई सीन नहीं है ठीक है, हमने फिर से निकलवा ली बाहर कोई चक्कर नहीं है, बट मुझे पता था ना कि मैं गलत नहीं हूँ बट तुमने फिर से मुझे गलत किया। बस तो चलता है भाई अभी मार्केट वाली साइड एंड बाइक कुछ वेव करवानी रहती है, तो भाई बड़ी गंदी कंडीशन में बाइक, तुम बाइक ना हालत देख पा रहे हो एंड यहाँ से ना जहाँ जब पुलिस ने बाइक उठाई थी ना यहाँ से मेरी बाइक ड्रैग करने की कोशिश की गई पर उनसे नहीं हुई, बिकॉज भाई यामा कभी चूतियों से ड्रैग थोड़ी होती है। अब भाई निकलते हैं सीधा, वो बंदे गुम हो गए यार, तुम्हें सीधा मिलते हैं भाई मार्केट में ठीक है। तो भाई लिटरली तुम्हें मैं बताऊँ ना, जितना भी यहाँ पे बंदा इकट्ठा हुआ ना, जब मेरी बाइक थी उसने इतना बंदा इकट्ठा था, इससे ज़्यादा था पता है, इससे ज़्यादा बंदा ना वहाँ पे ना मौजूद था जब मेरी बाइक सीज हुई थी। अब तो चलो यार खैर अब तो सही है, बट यार मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई इतनी हेट यार, इतनी मैंने क्या किया तुम लोगों से, मतलब इतनी ज़्यादा नफरत, इतनी ज़्यादा नफरत है, मैं पता किसी जिसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा होगा ना उससे तुम करते हो जितना मुझसे करते हो, पता नहीं क्या मुझसे नफरत का, क्या मैंने क्या तुम चीज़ लोगों का उखाड़ा या पता नहीं क्या सीन है भाई, अपनी बाइक चलाता हूँ खुद चलाता हूँ, किसी से कुछ लेके नहीं खा रहा ठीक है, फिर भी मैं इतनी हेट करते हूँ तुम लोग। चलो यार कोई सीन नहीं है, अब निकलते हैं, चलो जो हो गया हो गया, बट यार मैं तुम्हें एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर तुमने मेरे इतने पैसे यहाँ पे लगवाए ना तो इंशाल्लाह तुम्हारे भी ज़रूर लगेंगे, कहीं ना कहीं लगेंगे भाई। अब मैं बद्दुआ नहीं दूंगा, चलो तुम भी फूलो यार, बसते हंसते रहो यार, मुझे कोई तुमसे शिकायत नहीं है, बट तुमने स्टिल जो भी किया गलत किया सच बोलो ठीक है, तुमने ये चीज़ बोली ना कि मैं टायर वायर उठाता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि उठाता हूँ, बट तुमने स्टिल ये चीज़ बोली कि लड़की में पीछे आता ये करता वो करता, भाई वो काम हमारे पास नहीं है ठीक है, मैं अभी भी बोलता हूँ, मैं यही बोलता रहूँगा ठीक है, लड़की वाले सीन मेरे पास नहीं है, बाकी तुम जो भी बोलो सब सच है, बाइक पे चलाता जो भी करता वो है, बट ये लड़कियों वाले काम हमने ना कभी किए ना कभी इंशाल्लाह अपने फ्यूचर में कभी करेंगे ठीक है, हमें बाइक से प्यार भाई, यही हमारी गर्लफ्रेंड है, यही हमारी लड़की है, सब कुछ यही है। वो मुझे पता भाई 13 तारीख से मेरी बाइक सीज थी ना एंड 13 तारीख से लेकर 20-21 तारीख तक मैंने कैसे थे अपने दिन निकाले थे मुझे पता भाई, लोगों की गाड़ियाँ भीतरी देख देख के ना भाई मन सा भरता था, अब मार्केट में पहुँच चुके हैं एंड पुलिस वाले भी यार यही चीज़ कह रहे थे, कहते तुम्हारी सोसाइटी बड़ी गंदी है, हम क्या कह सकते, हमारा तो भाई कहाँ पर बाइक सीज कर रहा है बाइक उठा रहा है, चलो यार उनका भी कोई सीन नहीं है। एंड अब भाई यहाँ से काम नहीं, अब बिकॉज यार बाइक के पास ना बहुत ढेर सारा काम आज एंड बाइक के पास ना बाइक वगैरह बड़ी लगी है, तो हमारा काम तो नहीं हो सका, मैंने ये चीज़ टेप करवानी थी पूरी बिकॉज यहाँ पे उखड़ गया ये भी करानी थी। मैंने ना 13 तारीख से पता तुम्हें जैसा कि मैं बाइक चलाई नहीं, मैंने मुझे तेल का नहीं पता एंड सुनने का इस तेल पेट्रोल पम्प में क्या चल रहा है, नो हेलमेट नो पेट्रोल, बिना हेलमेट वाले को भाई यहाँ पे तेल नहीं मिलेगा, नहीं यार सभी ने हेलमेट ही पहनी है बट स्टिल वहाँ पर लिखा है। लॉग भाई तुम लॉग देख पा रहे हो, यहाँ से पूरा ना यहाँ से लॉग तोड़ दिया उन्होंने, इसी लॉग का सीन है। तो वैसे तुम यहाँ पे पढ़ी पा रहे हो, यहाँ पे लिखा नो हेलमेट नो पेट्रोल,
विदाउट हेलमेट ऐसे पता है नाम के विदाउट हेलमेट भाई। चल यार तू भी चाबी निकल जा। फाइनली भाई यहाँ से निकलते अभी, तुम देखी पड़े लॉक की क्या कंडीशन है, नीचे चाबी करके फिर ऑन करना पड़ा लॉक मेरा। चल 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 हाँ चल निकल निकल। तो इस पेट्रोल पंप पे भाई लिखा तो है ना कि नो हेलमेट नो पेट्रोल, बट किसने रूल फॉलो नहीं किया तुम देख पा रहे हो वहाँ पे बंदा किसने, उन्होंने भी कहने कि कोई बंदा ना मतलब फॉलो नहीं कर रहा रूल वगैरह। अभी चलते भाई यहाँ से लेट्स सी कि क्या बनता है। रुक 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 रुक। तो भाई मैंने भी पीछे हाथ डाला, मेरा इंडिकेटर ढीला हो गया, तो ज़्यादा चल जाते गिर जाएगा वो। नहीं ठीक है तो लगा ढीला ढीला सॉरी। चल 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 ट्रावो नहीं नहीं भाई अभी निकल जा भाई सीधा मार्केट इधर। एंड जिस काम के लिए भाई हम आए थे वो काम तुम्हारा हुआ नहीं। एंड भाई अब बहुत जल्द ना इसका खर्चे पे खर्चे आने वाला है, मैं पता तुम्हें। ऐसे तुम्हें मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, इसका पहला तो भाई ये है ओ भाई सही है कसम से भाई, ऐसा लग रहा है कि फ्लैशर डलाया बट इसने फ्लैशर नहीं डलाया, इसमें कोई वायर ऐसे करंटली हो गया है। तो ये कितने सी लग रहा है और मेरे भी कर दे ऐसे अगर होते हैं तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसका ना भाई अभी खर्चे पे खर्चा ना। पहला कर दिया इसका भाई लॉक डलवाना, लॉक भी काफ़ी भाई महंगा लॉक है मुझे पता, मैंने पूछा था तो मैं रेट डिस्कस बाद में करूँगा। एंड इसका इस साइड वाला शॉकर ना पूरा का पूरा लीक हो चुका, तुम देख ही पा रहे हो वहाँ पे नीचे तुम्हें शायद दिख रहा होगा तेल ना वहाँ से लीक हो रहा है, तो वो भी भाई तगड़ा खर्चा आने वाला भाई बड़ी पे। फिलहाल तो निकल रहा भाई सीधा तुम्हें मिलता है मार्केट में। तो भाई अभी है दुकान पे टायर वाले, यहाँ पे टायर के रेट पूछते बुलाना बंदे को, इसने अपनी बाइक का टायर लाना इसका ये रेट पूछना है। एंड में तुम मेरे बाइक की कंडीशन देख ही पा रहे हो भाई, बदतर कंडीशन हो चुकी है भाई, मतलब एक हफ्ते से डेढ़ हफ्ते से ना बाइक मेरे अंदर ही लगी है। एंड भाई देख के सर रोना सारा भाई इसको भाई, बट इतना प्यार था। एंड तुम्हें जैसे बता रहा शॉकर लीक है, तुम्हें अभी दिख ही नहीं रहा होगा यहाँ पे उस साइड पता लगी तुम देख ही पा। बंदा कहाँ पे है, बंदा आ रहा बंदा अभी टायर वायर पूछते हैं कौन सा। तो भाई लोग अभी टायर वायर तो देख लिए, यहाँ से पसंद कोई आया नहीं है, हम जल्दी से बस चलो जी आ गया बंदा। अभी ये करेंगे डिस्कस वगैरह कि टायर कितने का कितने का, बिकॉज भाई हमारे दोनों टायर ही नहीं है तुम जैसे तुम्हें पता ही है। एंड भाई मैं फिर से यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि हेटर्स को कि प्लीज़ हेट मत किया करो ऐसे सभी लोगों को, जो बंदा भाई कोई काम करने अपने घर से निकला हो ना तो कुछ भी कर रहा है भाई, तुम्हारा लेकर कुछ नहीं कर रहा तो प्लीज़ उसे काम करने दो। एंड जो भी भाई हमारे यहाँ के कंटेंट क्रिएटर है, जो भी यूट्यूबर हमारे यहाँ के बन रहे हैं ना भाई, सबको सपोर्ट करो। मैंने कहता कि वो सिर्फ मुझे ही करो, जितने भी हमारे यहाँ के बंदे हैं जितने भी सब भी जो सिंपल ब्लॉगर है जो मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उससे उस बंदे को भी यार सपोर्ट करो, बिकॉज हर एक बंदा मेहनत करता है। तुम्हें लगता ना कि भाई कैमरे के पीछे बोलना कि आसान नहीं होता भाई, कुछ कोई चीज़ आसान नहीं होती। तुम्हें लगता है अगर ब्लॉगिंग आसान है तो भाई तुम एक बार अगर ट्राई करके देख लो तो तुम्हें खुद पता चलेगा कि कितनी ही आसान है। एंड वहाँ पर भाई टायर देखे जा रहे हैं, काफ़ी चौड़ा टायर यार तुम देख लो, तो चौड़ा टायर डलवा नहीं सकता क्या होगा, बाइक की लुक अच्छी आएगी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अच्छा अच्छा सही है, बड़ा तगड़ा है, सेम है तेरे जैसा ही है, सेम है इसकी तरह ही है, हाँ पूरा का पूरा सेम, पूरा सेम है। कि भाई तुम्हें बोल रहा हूँ कि भाई जो भी बंदा सबको सपोर्ट करो, हेट मत करो, हेट भाई हेट करने से कुछ नहीं मिलेगा, हेट हेट सिर्फ थोड़े ही दिन की मेहमान होती है, हेट ज़्यादातर टिकती नहीं है पता। बाकी तुम्हें अभी तो नीचे देख ही पा रहे हो भाई यहाँ पे ऑयल लीक हो रहा है, उस साइड वाला ठीक है इस साइड वाला ऑयल लीक हो रहा है। एंड मुझे यार इतने दिन के बाद व्लॉगिंग करने लगा ना आज थोड़ा सा ऐसे, मुझे पता कि तुम्हें आज का व्लॉग अच्छा नहीं लगेगा, बट फिर भी भाई लोग सपोर्ट करो। एंड भाई जो बंदा चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना याद से ठीक है, जल्दी से भाई बंद के करवा दो, थोड़े से सब्सक्राइब रहते हैं जस्ट कर, मैं यही चीज़ हर बार बोलता हूँ कि थोड़े से रहते हैं बट थोड़े से रहते हैं तो करवा भी दो ना थोड़े से, बन के करवा दो भाई जल्दी से सेलिब्रेशन करते हैं, हमारी बाइक भी बाहर आ चुकी है जल्दी से भाई अभी बन के करवा दो ठीक है। एंड फिर भाई बाइक पे मॉडिफिकेशन शुरू कर देंगे थोड़ी बहुत बाइक ना, कसम से मुझे ना रोना आ रहा है भाई बाइक को देखे, क्योंकि इतनी इतनी माड़ी हालत मैंने कभी नहीं की बाइक की, क्या बोलूँ यार। अभी
यार नेक्स्ट व्लॉग ना इसी के रिगार्डेड आया कि भाई बाइक पे हुआ खर्चा, भाई जो भी है मुझे पता यार अब मेरी ना अच्छी खासी घिसने वाली है, बिकॉज खर्चे ना बड़े बढ़ गए इस बाइक के, बिकॉज जितने अंदर लगी एंड बैटरी का इशू है इसमें। एंड तुम्हें पता जब मैंने बाइक वहाँ से निकाली ना तो बाइक को धक्के लगा के स्टार्ट करना पड़ा, बिल सेल्फ उठा नहीं रही थी बाइक, पता नहीं क्या हुआ, बैटरी पूरी की पूरी डेड थी, अब ठीक है अब सेल्फ उठा रही है, बिकॉज पता इतने दिन दो हफ्ते बाइक बंद रही ना उसके कारण ये चक्कर है बाइक स्टार्ट नहीं होती। बट बाकी भाई होप करें तो मैं आज का ब्लॉग जो अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो मैं वीडियो को लाइक कर देना, एंड भाई वो बंदे चैनल पर नहीं है तो चैनल को याद से भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी भाई तुम्हें मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।